कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2011 में यूपीए शासन के दौरान जाति जनगणना को लागू न करने को लेकर अपनी सरकार की भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा कि 10 साल के यूपीए सरकार में जाति जनगणना को लागू न करना हमारी गलती थी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएंगे, इसके लिए पहले से ही एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की ओर से फैलाए गए नफरत के माहौल को कांग्रेस खत्म करेगी। भाजपा ने समाज में नफरत फैलाई है, कांग्रेस पार्टी इसे समाप्त करेगी और आरक्षण के बैरियर को भी खत्म करेंगी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस शासित राज्यों में अंबानी को निवेश के लिए आमंत्रित करने के एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो अडानी, अंबानी, टाटा या किसी बिजनेसमैन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा किसी काम को करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना और उसे तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली संस्था पर सीबीआई जांच होती है। ईडी और आईटी का दबाव होता है, उसे डराया धमकाया जाता है और फिर उनसे एयरपोर्ट छीनकर अडानी को दे दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री एक ही व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं, ये ड्यू प्रोसेस यानी सही प्रक्रिया नहीं है, ये चोरी है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि देश में बड़े बिजनेसमैन की जगह है, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि सिर्फ इनकी ही जगह होगी। हम यह भी स्वीकार नहीं करेंगे कि एक अरबपति को देश का पूरा धन सौंपा जा रहा है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, हम फेक प्रोसेस के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने देश की संपत्ति चंद अरबपतियों को सौंप दी। वह धारावी की 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अगर मोदी, शाह, अंबानी एक हैं तो वे सेफ हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। मैं मणिपुर गया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए हमारा सरकार को पूरा समर्थन है, लेकिन सरकार हिंसा नहीं रोक रही है। उन्होंने कहा यह विपक्षी गठबंधन इंडिया और भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे इसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।